90% से अधिक मामले आए थे, शेष 70 जनपदों में लोगों को जानकारी ही नहीं थी। आखिर महिला आयोग क्या कर रहा है? क्यों नहीं वहां पर उन महिलाओं को अवगत कराते कि 1090 विमेन पावर लाइन है और इसके माध्यम से अगर हम कॉल फ्री नंबर को डायल करते हैं तो आपको सहायता वहां पर उपलब्ध होती है, उस जनपद में सहायता उपलब्ध होती है। या घरेलू हिंसा से जुड़े हुए मामलों में 181 टोल फ्री नंबर जारी किया गया, एक हेल्पलाइन जारी की गई। घरेलू हिंसा के मामले हैं तो घरेलू हिंसा से जुड़े हुए मामले में इस पे कॉल करेंगे, हमने 181 1090 PRB 1112 इन सब को भी हम लोगों ने इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेट करके इस बात को दिखा, इस बात को किया कि अगर इनमें से किसी एक पर भी कॉल होता है तो वह एक दूसरे तक पहुंचती है और उसको तत्काल सहायता उपलब्ध हो सके। और पहला दायित्व तो ये जितने भी महिलाओं से संबंधित ये पावर लाइन है या हेल्पलाइन है या अन्य जो योजनाएं हैं उनकी सुरक्षा के लिए उनसे संबंधित इनकी जानकारी होना, इनके बारे में उनको अवगत कराना। दूसरा, बालक और बालिकाओं का जो अनुपात कम हो रहा था, मुखवीर योजना एक चलाई गई है, मुखवीर योजना के माध्यम से हम उन लोगों को बता सकें, उन लोगों के माध्यम से जहां पर भ्रूण परीक्षण के माध्यम से पेट में ही बालिका को मार दिया जाता है और जो एक पाप होता है उस पाप में कौन लोग लिप्त हैं, उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करना, बिना रजिस्ट्रेशन के चलने वाले अल्ट्रासाउंड केंद्रों की परीक्षण होना, उसकी रिपोर्टिंग लेना, उसकी जानकारी लेना, इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना, ये कार्य। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना किस तरह से वो योजनाओं को बता रहे थे। और देखिए, दिल्ली चुनाव के रिजल्ट भी एक तरफ आ जाने शुरू हो चुके हैं, आम आदमी पार्टी